आपने जब मैं घर में हूँ तो हमेशा बोलते जाते हैं आप मुझे। तुमने बिना बताए कहाँ चली गई? बेटा तूफान ही देखा। आइए बच्चे बैठिए। हाँ बताइए कहाँ गए थे? अच्छा चलिए मैं बैठ गई, बताइए कहाँ गए थे आप? भाई वो रोहित बहुत अच्छा लगता है। कौन रोहित? वो जिसका रिश्ता कहानी की लाई थी। क्या कहानी? आप कहाँ गए थे? हम उस लड़के को मिलने गए थे, मैं उसकी बेटी से मिला, उसकी माँ से मिला। आप दोनों मुझे बगैर बताए वहाँ चले गए, मुझे पूछा भी नहीं। ये तो आपको बताता हूँ, मैं आपसे कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ। पर जोर आप गए ही क्यों? आपको पता है कामिनी जी श्रद्धा के लिए कभी भी अच्छा रिश्ता ला ही नहीं सकती, वो बहुत जल्दबाजी कर रही है। आप उनका साथ दे रहे हैं। जैसे आपको है वैसे ही मुझे भी श्रद्धा की खुशियों का ख्याल है, लेकिन आपको कामिनी जी के लाए हुए रिश्ते से इतराज है, मुझे नहीं। आप नहीं समझते, आप जानते ही क्या, कम से कम अपनी लड़की की राय तो पूछ लेते। हाँ बाबा, तब से एक बार श्रद्धा से तो पहले बात हुई। और किट्टू तो तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे। किट्टू तो छोटी है, वो नहीं समझेगी, पर आप, वो कम से कम एक बार मुझे बताना चाहिए था। जो मैं किसी भी तरह रोक लेती आप, इसलिए तो बताया नहीं क्योंकि आप रोक लेती। मानता हूँ गांधी जी ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो हमको बुरी लगी हैं, लेकिन इस बार वो लड़का की, लेकिन इस बार वो रिश्ता बहुत अच्छा लाएंगे मुझे, लेकिन इस बार रिश्ता बहुत अच्छा लाएंगे। मुझ पर गुस्सा होने से पहले आप कैसे मिलेंगे पता लग जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। पापा लेकिन जो भी हो रहा है ना बहुत बहुत जल्दी जल्दी में, कम से कम श्रद्धा को तो आने देते घर। हाँ भाई श्रद्धा आएगी, मैं उससे पूछूंगा, अगर उसको ठीक लगा तो फिर मैं बात बढ़ाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी बढ़ाऊंगा। पानी दे, ये लीजिए पानी पी गया। तो आज ये चल रहा है कि अब श्रद्धा के लिए एक नई ज़िंदगी शुरू करने का टाइम आ गया है। अब जब उसकी लाइफ में सब सेट हो चुका है तो सब घरवाले ये सोच रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी में उसका जीवन साथी भी कोई होना चाहिए ताकि वो ये ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ अकेले ना जिए। तो बस वही बातें डिस्कस हो रही है कि श्रद्धा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन लोग उसकी ज़िंदगी के लिए अच्छे हैं और कौन बुरे हैं। तो बस यही सब हो रहा है। हाँ क्योंकि अब थोड़ा सीक्रेट मिशन टाइप्स चल रहा है घर में, क्योंकि मम्मी जी को अपेरेंटली उन्हें पसंद नहीं आ रहा है मेरी मम्मी का इस घर के मामले में दखलअंदाजी देना। तो इसीलिए मैंने और पापा जी ने डिसाइड किया कि पहले देख लेते हैं लड़का, अगर अच्छा हुआ तो फिर मम्मी जी को हम बता देंगे, अगर बुरा हुआ तो फिर कोई बात नहीं, हम वैसे ही श्रद्धा दीदी की शादी उनसे नहीं करवाएंगे ज़बरदस्ती। मम्मी जी के लिए हमेशा अपने घर के सारे लोग अच्छे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि अगर उनसे कभी कोई भूल हो जाती है तो वो बहुत अनइंटेंशनली होती है, कभी कोई जानबूझ के कोई गलती नहीं करता। इसीलिए उनका ये भी मानना है कि किट्टू भी हमेशा इस घर का अच्छा ही चाहेगी, उसके मन में कभी खोट नहीं होगी। कामिनी कभी घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, पहली बात, भले ही उन्हें नेगेटिव दिखाया गया है पर ऑलवेज वो अपने बेटे और बेटी के लिए केयरिंग रही है। तो बस उनकी ज़्यादा देखभाल और उनसे ज़्यादा प्यार करने में कहीं उनकी नेगेटिव साइड दिखाई पड़ती है। श्रद्धा के लिए ऑफकोर्स हम दुनिया का बेस्ट लड़का ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली उसने अपनी ज़िंदगी जी है, तो इस वजह से अब दूसरी बार ऐसा नहीं होने देंगे उसके साथ।